नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम जिला अधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि आज बेटियां सभी क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार ने ऐसी कई योजना संचालित की है जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। लोगों की सोच बदली है और आज अधिकांश लोग बेटी पैदा होने पर खुशियां मनाते हैं। इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पूनम बाला, डॉक्टर भावना सिन्हा, बीआरडी पीजी कॉलेज श्रीमती नीतू भारती व श्रीमती मीनू जायसवाल, वन स्टाफ सेंटर के महिला कर्मिक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। तो आज की बैठक यही संचालित करेगी, मैं इनकी मदद करूंगी। आज बैठक में डीएम मैम का विचार से गांधी जयंती मुख्य गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, उनका ये मानना था कि हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई भी अहिंसा से लड़ी जा सकती है। और आज के समय में जो हमारा युवा वर्ग है वो ज्यादा से ज्यादा उग्र हो रहा है धीरे धीरे, तो उनको हमारा मुख्य मकसद ये होना चाहिए कि हम उनको बताएं कि सिर्फ उग्रता से हिंसा पूर्वक ही हम किसी भी चीज का समाधान नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि अहिंसा पूर्वक उसको शांति से बैठ के सुलझा कर भी किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मेरा विचार है कि जो गांधी जी की जितनी भी उनकी आइडियोलॉजी थी उनके बारे में सिर्फ हम एक ही दिन देश में स्वतंत्रता लाई, ठीक उसी प्रकार हम अपने जो हमारे अंदर गलत विचार आते हैं हम उनसे स्वतंत्र हो सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको ये भी बताएं कि बेटा जो असत्यता का मार्ग होता है, मिथ्या का मार्ग होता है, वो कुछ समय तक तो सही होता है परंतु उसके बाद फिर वो हमें गलत दिशा में ले जाने लगता है। और